नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल AMV नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बिहार से एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। बिहार के औरंगाबाद में मंबलिंग सिंह का मामला सामने निकल कर आया है। बताते चले कि कार पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था। कार में बैठे शख्स ने पहले चलाई गोली और गोली लगने से शख्स की हो गई मौत। मौत से गुस्साई भीड़ ने की मामलिंग सिंह। भीड़ ने दो लोगों को पीट पीट कर मारा। ये बड़ी घटना हम आपको बता रहे हैं सुशासन बाबू के राज्य यानी कि बिहार से, जहां पर एक बार फिर से मामलिंग सिंह का मामला सामने निकल कर आया है। बिहार के औरंगाबाद में मामलिंग सिंह की घटना सामने निकल कर आई है। कार पार्किंग को लेकर विवाद हुआ और कार में बैठे शख्स ने पहले गोली चलाई और गोली लगने से शख्स की मौत हो गई है। मौत से गुस्साई भीड़ ने की है लिंचिंग। भीड़ ने दो लोगों को जमकर पीटा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई है। बड़ी घटना इस वक्त की। और बिहार के औरंगाबाद से बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मॉब लिंचिंग का मामला सामने निकल कर आया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जितेंद्र प्रताप सिंह पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र प्रताप सिंह, मॉब लिंचिंग का मामला सुशासन बाबू के राज्य से सामने निकल कर आया है। सत्यम, बिहार से इस वक्त की एक बड़ी घटना सामने आ रही है, जहां पर औरंगाबाद में कुल चार मरने की खबर आ रही है, जिसमें से तीन लोगों के मरने की पुष्टि अभी फिलहाल हुई है। दरअसल ये पूरा विवाद जो है एक कार पार्किंग को लेकर के हुआ था, जिसके बाद से कार में मौजूद तीन मुस्लिम व्यक्ति मौजूद थे, जिनका नाम मोहम्मद मुजाहिद और चरण मंसूरी और मोहम्मद अंसारी के तौर पे हुई है। दरअसल ये तीनों लोग जो है मूल रूप से बिहार के झारखंड के रहने वाले हैं, पड़ोसी राज्य झारखंड के रहने वाले थे और बिहार में किसी काम से गए थे। बिहार के औरंगाबाद में किसी काम से गए थे और वहां पे एक कार पार्किंग को लेकर के जो है ये पूरा विवाद हुआ और उसके बाद से कार में मौजूद एक मुस्लिम शख्स ने अचानक से पिस्टल तान दी और फायरिंग कर दी और इसी फायरिंग के दौरान एक ग्रामीण की वहां पर मौत हो गई। जब ग्रामीण को अस्पताल ले जाया जा रहा था, उसी दौरान उसकी मौत हो गई। कुछ ही मिनटों बाद उस पर से गुस्साई ग्रामीण भीड़ ने जो कार में मौजूद जो तीन मुस्लिम शख्स से मुजाहिद मंसूरी और मोहम्मद अंसारी उनकी लोगों ने जो है वो गुस्से में पिटाई की, जिसमें से दो लोगों की मौत की जो है अभी पुष्टि हो रही है और जिस शख्स की गोली लगी थी उसकी भी मौत हो गई है। यानी कि कुल तीन लोगों की मौत हो गई है और जो कार में जो चौथा जो तीसरा शख्स था उसकी भी स्थिति नाजुक बता रही है। अभी फिलहाल खबर ये आ रही है कि उसकी भी मौत हो गई है, लेकिन प्रशासन की तरफ से भी कोई पुष्टि नहीं की गई है, क्योंकि हो सकता है कि प्रशासन की तरफ से घटनाक्रम को फिलहाल अभी दबाया जा रहा है, क्योंकि अभी ये थोड़ी देर बाद जो है ये बड़ी खबर के तौर पर जो है निकल करके सामने आएगी। और बिहार के अंदर में लगातार जो विपक्ष आरोप लगाते रहा है कि जंगल राज पार्ट टू एक बार फिर से वापसी हो चुकी है और वही स्थिति लगभग बिहार के अंदर देखने को मिल रही है। सत्यम, अभी तक जितेंद्र इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है क्या किसी की? सत्यम, जो कि इस पूरे मामले में देखा जाए तो कार में मौजूद जो तीन लोग थे उसमें से दो की मौत हुई है और इसके अलावा जिस शख्स की गोली लगी है उसकी मौत हुई है और कार में मौजूद जो तीसरा शख्स था उसकी भी हालत नाजुक बताई जा रही है। हो सकता है कि उसको भी लेकर के कुछ थोड़ी देर बाद जो है वो अपडेट आ जाए, इसलिए फिलहाल अभी गिरफ्तारी जैसी स्थिति थोड़ी कोई नहीं दिख रही है, क्योंकि लगभग लगभग जो भी उसमें आरोपी थे उसमें से दो की मौत हो चुकी है, एक स्थिति नाजुक बताई जा रही है, इसलिए फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन स्थिति वहां पे लगातार तनावपूर्ण बना हुआ है और ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है
और विपक्ष के तरफ से भी जो है अभी इसको लेकर के कोई फिलहाल प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्योंकि घटना लगभग देर शाम की है, लगभग 7-8 बजे की है, इसलिए जो है अभी कोई फिलहाल प्रतिक्रिया नहीं आई है। और सरकार भी अभी इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया जो है सरकार की तरफ से आरजेडी या जेडीयू की तरफ से इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया अभी फिलहाल निकल करके सामने नहीं आ रही है। लेकिन जिस बड़ी घटना निकल करके सामने आई है उसको लेकर के एक बार कहीं ना कहीं फिर से जो है वो जंगल राज्य की स्थिति एक बार बिहार में उत्पन्न हुई है, और ये एक बड़ी घटना है। इसको लेकर के अब देखना ये होगा कि सरकार और विपक्ष के बीच क्या कुछ जो है इसके प्रतिक्रियाएं जो है वो निकल करके आती है, दोनों का क्या कुछ जो है आरोप और जवाब जो है वो होता है इस पूरे मसले को लेकर के। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि बिहार में बड़ा मामला हुआ है, मॉब लिंचिंग की घटना सामने निकल कर आई है। और इस पूरे मामले में आपको बताते चले कि जो मामला सामने निकल कर आ रहा है, इसमें कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है।